Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों कल के एपिसोड की बात करते हैं। कल के एपिसोड की शुरुआत होती है गाने से, डांस, सब लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन पीछे खड़े रोमिल चौधरी और दीपक कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। उसके बाद भाई और बहन यानी के श्रीशांत और दीपिका कक्कड़ का शॉट दिखाई देता है कि दीपिका श्रीशांत सोए और दीपिका वहां पे वो बातें कर रही है कि शुरू शुरू में जैसे आप टास्क नहीं करते थे, तो यहां पे ये लगता है कि दीपिका को क्या जरूरत है। अब श्रीशांत का इतने हफ्ते हो गए तो पता ही चल गया कि वो किस तरह के इस बात से चिढ़ जाएंगे। तो लेकिन दीपिका वो बात छेड़ती है और फिर श्रीशांत कहते हैं कि कौन सा टास्क नहीं किया मैंने, तो यहां पे बात जो है तो वो गिनाती है, तो वो लॉजिक देना शुरू करते हैं, तो बात बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है और हमेशा की तरह जो दीपिका कक्कड़ नाराज होके के जाती है कि आप हर चीज को अग्रेशन में लेते हो। अग्रेशन में यहां पे बिग बॉस ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे दीपिका जानबूझकर उनको उंगली लगा रही हैं, लेकिन ये हमको नहीं पता कि ये कितने समय की बात जो रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद मेकर्स थोड़ा सा शॉर्ट कुछ दिखा देते हैं जिससे हमको इस तरह से लगता है। उसके बाद श्रीशांत बाकियों के साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं कि मैंने टास्क की बात की, मैंने क्या क्या कौन कौन से टास्क किए और मैंने सब लोगों के लिए मैंने अपनी कुर्बानी दी, हर किसी को एक समय बजाया। यहां पे रोमिल और दीपक ठाकुर जो है वो श्रीशांत के साथ हैं, वो कहते हैं बिल्कुल, रोमिल कहता है कि मैं ये बात कहूंगा तो महानता में केवी कहते हैं, लेकिन केवी इनके सामने कुछ भी नहीं है, इन्होंने ज्यादा ऐसे काम किए। केवी तो अपने लिए फायर ब्रिगेड टास्क में बिल्कुल सेल्फिश होकर अपने लिए खेल रहा था, ऐसी ये बातें होती है। तो यहां पे फिर उसके बाद श्रीशांत अपना एक टीवी शो चलाते हैं जहां पे श्रीशांत का शो है और श्रीशांत इंटरव्यू लेते हैं। वहां पे सुरभि राणा की ये लोग इंटरव्यू लेनी शुरू करते हैं और यहां पे सुरभि राणा पे ये आरोप लगता है कि सुरभि राणा जो है जाली है, डुप्लीकेट है, जो है अभी एकदम से बदलने की एक्टिंग कर रही है। सुरभि कहती है कि मैं सलमान खान ने जो मुझे इतना ज्यादा डांटा था उसके बाद अगर एक इंसान बदल गया है तो आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है उसमें। तो ये चीजें सुरभि और भड़क जाती है थोड़ी सी और फिर केबी भी बीच में आके दखलंदाजी करते हैं, दीपिका भी आ जाती हैं आके, क्योंकि ये सब लोग बैठे हुए हैं, कैमरा तो सब इनके पास ही है, तो बाकी भी पास में आ जाते हैं। दीपिका भी फिर बहस करना शुरू करती है कि ऐसा किया था ऐसा किया था, तो आप ये पहले इतना बवाल मचाया आपने, कितना कुछ किया श्रीशांत के साथ और अचानक से आप एक भोला भाला मासूम बच्चा बन गए हो, तो ये सब ड्रामा है, ऐसा उनको कहने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद अचानक से बिग बॉस दीपक को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, वहां पे बुला के दीपक को बिग बॉस देते हैं एक टास्क, एक मोबाइल देते हैं कि मोबाइल पे बिग बॉस आपके संपर्क में रहेंगे और आपको कोई टास्क बताएंगे। फिर बिग बॉस कहते हैं कि दीपक को चोरी करने की बात कहते हैं कि आपको घर में चोरी करनी है, क्या क्या चुराना है, रोमिल चौधरी का जो बच्चे का ओजे का बैग चुराना है, दीपिका कक्कड़ की शोएब के साथ जो पिक्चर है वो चुरानी है और ये दोष आपको ये देख रहा है कि घर वाले केवी के ऊपर दोष लगाए तो केवी इसके दोषी साबित हों। तो ये लग्जरी बजट है, जो ये लग्जरी बजट नहीं, जो क्रिसमस के गिफ्ट का बजट है, अगर आप ये जीत गए तो आप क्रिसमस के गिफ्ट आपको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो दीपक ठाकुर शुरू हो जाते हैं अपनी चीजें चुराने की, तो वहां से चुराते हैं, ये सब चुराने में कामयाब हो जाते हैं, वो छुपाने में भी हो जाते हैं, फिर एक पर्सनल भी वो चिपचिक चुराते हैं कि ये मैंने पर्सनल चोरी की है, फिर ऐसे ऐसे होंठों पे लगाते हैं फनी तरीके से, ये सब होती है। यहां पे दीपक मुझे लगा कहां से थोड़ा सा ओवर स्मार्ट खेल गए, दीपक को थोड़ा सा आराम देना चाहिए, दिमाग को चुपचाप बैठ जाते, खुद ना कहते कि चीजें चोरी हो रही हैं, वो मेलोड्रामा दीपक को थोड़ा सा मरवा गया। तो मुझे क्योंकि मुझे नहीं लगा कि दीपक ठाकुर इस उसमें टास्क में सक्सेसफुल हुए थे, क्योंकि सबको डाउट पड़ गया था, पहले ही शक पड़ गया था, वैसा बवाल नहीं मचा जैसा मचना चाहिए था, क्योंकि दीपिका ने पहले ही बोल दिया कि बिग बॉस ने बुलाया था ना कन्फेशन रूम में, तो कोई टास्क तो नहीं दिया, तो ये बोल दिया, इसका मतलब आप तभी फेल हो गए, आपको
वो नहीं करना चाहिए था मुझे लगता है। चुपचाप बैठता अपने आप थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, इतनी जरूरी चीजें हैं तो दिखाई देता है ना कि यार कहां गई मेरी फ्रेम, फोटो फ्रेम कहां गया। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहां पे केबी के ऊपर जो है दोष लगाने में उतना कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन बात यह थी कि दीपक को मजबूरी में अपनी मां की कसम भी खानी पड़ती है। वो बोला खा मां की कसम, वो पहले तो हिचकिचाते हैं, फिर बोला मां कसम। भले ही मां कसम के साथ उन्होंने बाद में इस बात का कहेंगे कि ना कहा मैंने या कहा या मां कसम उन्होंने कहा ही नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि ये चीज को लेके जो दीपक के फैंस नहीं है ना, जो बाकियों के फैंस हैं, वो ये इस बात का लेंगे कि दीपक तो इतना झूठा है, झूठी मां की कसम खा गया। तो लेकिन मुझे मेरा नहीं तास कह जा रहा, और क्या करता बंदा है ना। तो माता जी भी देख रही होगी कि मतलब ये बच्चे मेरे ने तास के लिए ये सब कार्य किया है, तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर दीपक का यह कार्य समाप्त होता है। तो बिग बॉस कहते हैं कि दीपक अब ये फोन तुम दे दो सुरभि राणा को। लेकिन सुरभि को जो टास्क दिया जाता है वो टास्क लगता कि यार ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सुरभि राणा को टास्क देते हैं कि दीपिका को रुलाना है और इतना तंग करना है कि सिरसा जो है भड़क जाए। तो सुरभि आती है, एक तो सुरभि आके कैमरे में कहती है, अरे यार मैं तो सुधरना चाहती हूं, मैं अच्छा बनना चाहती हूं, अब टास्क मुझे ही ऐसा दे दिया, फिर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो वो दीपिका के साथ पंगा लेना शुरू करती हैं कि ऐसा है वैसा है। तो वो अचानक से लगता है कि ये सुरभि को क्या हो गया अभी। लेकिन सुरभि जो है ड्रामे को बिल्ड करने में कामयाब होती हैं काफी हद तक के। लेकिन एक चीज वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मन की अपनी अंदर की भड़ास भी निकाल लेते हैं बंदा मारने से। जो उन्होंने कहा कि आपने एक्टिंग भी टास्क में भी एक्टिंग की तो फ्लॉप एक्टिंग थी, वो घटिया एक्टिंग की आपने। तो ये चीज दीपिका कक्कड़ को चुभ जाती है बहुत बुरी तरीके से कि यार ये पर्सनल के मैन को मैं जिसने ससुराल सिमर का सीरियल की हीरोइन थी, जिसने मैं इतने एपिसोड की, इतना मुझे सुरभि राणा कह रही है कि यू आर मतलब बैड एक्ट्रेस। तो ये बात बवाल, फिर श्रीशांत बवाल करते हैं, श्रीशांत तो ऐसे भड़क जाते हैं, लगता था थप्पड़ मारेंगे। और दीपिका श्रीशांत के पास आके श्रीशांत कहते हैं कि मैं थप्पड़ मारने की इजाजत दो मुझे, मैं उसको थप्पड़ मारना तो मार दो। तो ये श्री के सामने कहने का, जो श्री पहले ही तैयार रहते हैं ये चीज करने के लिए। तो ऐसा ये सब मामला होता है। और फिर बिग बॉस कहते हैं कि सुरभि आपने जो अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया, अब फोन जो है श्रीशांत दे दो। अब सुरभि के लिए पंगा ये होता है कि श्रीशांत तो सुरभि के पास ही नहीं पटक रहे। सुरभि कहती है अच्छा सुनो मेरी बात तो सुनो, तो बोलता है नहीं मैं आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तो वो ऐसे भड़क के दूर जाते हैं। अब सुरभि कैसे श्रीशांत को मोबाइल दे भाई, श्रीशांत तो उससे पास नहीं पटक रहे हैं, श्रीशांत फिर दीपिका के पास बैठे हैं। तो सुरभि परेशान कि अब फोन कैसे दूं, बिग बॉस ने तो हुक्म दे दिया। अल्टीमेटली बिग बॉस को तो श्रीशांत कहते हैं कि बिग बॉस आई नीड ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से बात करनी है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया शायद। तो यहां पे बिग बॉस फिर करते हैं कि श्रीशांत आपके लिए डॉक्टर जो है स्टोर रूम में है, आप आइए। तो स्टोर रूम में जाता तो फिर भागी भागी वो श्रीशांत को सुरभि बताते कि ये टास्क था और ये लो फोन मोबाइल। तो फिर श्रीशांत के मुंह पे जो स्माइल आती है, कह रहे यार ये टास्क था, मैं तो ऐसे ही भड़क लिया इतना। तो फिर टास्क में श्रीशांत को भी बड़े अजीब सा टास्क देते हैं कि आपको घर वालों के साथ बात करते हुए नाचना है। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि घर वालों का अभी गुस्से में गया बाथरूम में, गुस्से में अभी से नाचना शुरू हो गया बंदा। तो ये इस टास्क में थोड़ा डेफिनेटली पकड़े जाना था, लेकिन घर वालों ने कहा यार ये क्या है, बोला आज थोड़ा नाचने को मन कर रहा है, बातें कर नाच रहे हैं श्रीशांत। वो थोड़ा सा फनी बनाने के लिए, एलिमेंट डालने के लिए फन एलिमेंट किया। और अल्टीमेटली श्री को भी बोलते हैं कि ये चीजें जो है खुल के आ जाती हैं कि भैया ये सब टास्क था। और बिग बॉस कहते हैं कि आप सबने टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, स्पेशली सुरभि की बिग बॉस तारीफ करते हैं कि सुरभि राणा ने इतना मुश्किल जो टास्क है बहुत अच्छे तरीके से किया। यहां पर श्रीशांत और दीपिका को ये चीज पसंद नहीं आती कि सुरभि की तारीफ कर दी, कि बोले कि नहीं नहीं ये टास्क तो तुम्हारे लिए आसान था, तुम तो हो ही ऐसी। तो ऐसा कहके दोनों एग्जिट कर देते। बाद में दिखाई देता दीपिका के पास, वो बैठी है, बोली कि नहीं मैंने कैमरा में बोला, मैं नहीं ऐसा बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे टास्क दिया आप समझो, तो आप मैं नहीं ऐसा बोलती तो आप जल्दी जल्दी भड़कते ही नहीं हो, दीपिका को बोलते। तो दीपिका अल्टीमेटली मान जाती कि चल ठीक है फॉरगेट, है ना, जो हुआ हुआ, तो तूने टास्क के लिए किया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ये बात खत्म हो जाती है। फिर आती है घर में जो सामान लेके गिफ्ट्स लेके घर वालों के, उर्वशी रौतेला आती हैं घर में, एंटर करती हैं और सब लोग देखे बहुत खुश।
तो उर्वशी रौतेला सेंटा बन के आई है, सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते सब घर वालों को। यहाँ पे केवी करणवीर भैया अभी अपना एक थोड़ा सा कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सेंटा की गोदी में बैठ के गिफ्ट लेते हैं, लेकिन ये चीज कोई किसी को शायद ये इतना अच्छा नहीं लगता, तो सब लोग इसकी कोई ज्यादा तारीफ नहीं करते, मतलब इस पर कोई हंसते नहीं, कोई ज्यादा रिएक्शन आए नहीं इस डायलॉग पे। और फिर जो उर्वशी सबको गिफ्ट देती हैं, यहाँ पे दीपिका के लिए बहुत अच्छा जो दुपट्टा है घर वालों ने भेजे हैं, जो उन्होंने निकाह के समय लिया था। ये छोटी छोटी इमोशनल चीजें जो बिग बॉस इस समय करते हैं, जो इतने टाइम से घर में रह रहे हैं 3 महीने से, उनको वही चीजें अपने ही भले ही मिलती हैं। तो जो उसके लिए दीपक की एक फोटो है जहां पे नाना जी जो गुजर चुके हैं उनका हाथ में उनका हाथ है, तो वो भी बड़ी क्यूट सी बड़ी प्यारी जो फोटो है इमोशनल। तो उसके लिए सुरभि के लिए जो ट्रॉफीज आई है, सुरभि कहती है ये ट्रॉफीज लिए भेजते हैं, 2 भेजी हैं, तीसरी तू लेके आ। तो ये सबके बीच में सबके लिए अलग अलग गिफ्ट जो घर भेजे। यहाँ पे एक चीज और करणवीर बोरा की मुझे समझ में नहीं आई है, जो एस्टेब्लिश होती है कि केवी भाई साहब ने मतलब जूतों की दुकान जो घर से वो लेके आए हैं, मतलब कता नहीं बिग बॉस का इतना सा घर है उसमें इतने जूते लेके आए हो घर से, और वो जूते उन्होंने रोमिल के बेड पे लगाए हुए हैं। तो ये बात एस्टेब्लिश हो, रोमिल बोला यार कोई बंदा बेड पे जूते रखता है, ये है केवी भैया। और केवी कहते हैं कि अरे नहीं वो सोया नहीं हुआ था ना तू बेड पे, उस पर यार सोया नहीं तो बेड पे जूते रख दोगे, तो ये बोले ठीक है मैं उठा लेता हूं। ये सब में जो है वो कल का एपिसोड खत्म होता है, समाप्त होता है। घर वालों ने अच्छे तरीके से फिर बिग बॉस ने पार्टी भी आयोजित की थी कि आप सबके लिए हमने पार्टी का आयोजन किया है, क्योंकि घर वाले घर में रह रहे हैं तो ऐसी बिग बॉस पार्टियां क्रिसमस वगैरह पे त्यौहार पे देते हैं, तो सबके लिए अलग अलग चीजें पिज्जा वो सब आए हुए हैं, वो सब लोग खाते हैं और मौज मस्ती लेते हैं। तो आपको भी सबको हंग्री स्पिरिट्स चैनल की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस। तो एंजॉय कीजिए, ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।